हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट की तरफ नीचे, और आज क्या वीडियो बनेगा फिलहाल तो मुझे भी नहीं पता। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं कि आज क्या शूट होता है और क्या वीडियो बनता है। मार्केट आ चुकी हूँ और देखिए यहाँ पे एक बहुत फेमस दुकान है, फेमस अल्मोड़ा स्वीट्स। तो यहाँ पे मिलती है अल्मोड़ा की बाल मिठाई, और इस दुकान को भी आप विवाह पिक्चर में देख सकते हैं। और ये जो सामने खड़े हैं दुकान के ओनर, इनको भी आप पिक्चर में एक सीन में देख सकते हैं अखबार लगाते हुए। तो यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे अभी, और दिखाती हूँ मैं आपको एक शॉप यहाँ से। तो चलिए नीचे को यहाँ से चलते हैं, और एक देखिए ये शॉप है यहाँ पे स्टेशनरी की। ये भी काफ़ी पुरानी दुकान है, नैना बुक डिपो नाम से। तो ये भी काफ़ी पुरानी स्टेशनरी शॉप है, जहाँ से हम बचपन से कुछ ना कुछ खरीदते आए हैं और आज भी खरीदते हैं। देखिए यहाँ पे सारा स्टेशनरी आइटम मिलता है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं अब नीचे की तरफ। देखिए शाम को इस टाइम मार्केट में थोड़ा चहल पहल है, और यहाँ पे है वर्मा गारमेंट्स, जहाँ पे स्कूल के कपड़े भी मिलते हैं, ड्रेसेस वगैरह, और भी वुलन आइटम्स मिलते हैं यहाँ पे। देखिए और यहाँ से आगे चलते हैं। तो ये देखिए एक शॉप और दिखाती हूँ मैं आपको, बहुत पुरानी शॉप है यहाँ पे। ये है यहाँ का पान भंडार। तो एक बार इनसे जानते हैं, अभी ये फ़ोन पर बात कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मिलता है बड़ा फेमस पान यहाँ का। चलो मैं फिर करता हूँ, और इनसे जानते हैं। दाजू, शॉप के बारे में कुछ बताएंगे, कितनी पुरानी शॉप है आपकी? पुरानी शॉप है, उसको तो 80 साल की। 80 साल? देखिए 80 साल पुरानी एक हेरिटेज शॉप है ये भी यहाँ की। तो यहाँ पे पहले से काफ़ी पुराने ज़माने से पान मिलता आया है। तो इससे पहले कितने, आपकी कौन सी जनरेशन चल रही है अभी? हाँ, तो देखिए 80 साल पहले से, इनके दादाजी के ज़माने से ये शॉप चल रही है, और काफ़ी पुरानी शॉप है। इनका मीठा पान काफ़ी फेमस है यहाँ पे। तो देखिए चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पान देखिए यहाँ पे, ये बड़ा फ्रेश पान मिलता है। जो लोग पान के शौकीन हैं वो यहाँ पे आके पान ले सकते हैं। देखिए ये एक शॉप है यहाँ पर मधुर मिलन नाम से, यहाँ पर काफ़ी अच्छे गिफ्ट आइटम्स मिलते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ बाहर से, ये देखिए बहुत ही अच्छे यहाँ पर कुछ गिफ्ट आइटम्स ऐसे मिलते हैं। और ये भी काफ़ी पुरानी शॉप है यहाँ की। यहाँ पे देखिए नैनीताल के कुछ फ्रिज मैग्नेट्स भी मिलते हैं, और बाकी सामान भी आपको सब यहाँ पे मिलेगा। देखिए सामने कितना अच्छा है, ये वुडन आइटम्स हैं। तो देखिए यहाँ पे मुझे फिर से एक बार मिल चुके हैं नासिरदा। तो नासिरदा कैसे हैं आप? तो आप अभी आ रहे हैं नीचे? आज मौसम अदिति बहुत बढ़िया हो रहा है इस समय। अच्छा। और कोहरा लगा है हल्का हल्का। हाँ। और इस समय तो लेक के किनारे तो देखने लायक। तो नासिर था, बारिश का अलर्ट था लेकिन बारिश हाँ। हुई नहीं है, काफी गर्म मौसम हो रहा है। हाँ हाँ। तो अभी आपको लगता है बारिश होगी? अदिति मुझे लगता है अभी तो फिलहाल शाम को बारिश तो नहीं होगी जी, और जहाँ तक मुझे लगता है रात के 10 बजे बाद जो है रात में यहाँ बारिश हो रही है आज कल। अच्छा अच्छा। तो नासिरदा ये जो बगल में आप दुकान देख रहे हैं पान की, हाँ हाँ, तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी पुरानी दुकान है यहाँ की। हाँ। तो थोड़ा सा बताएंगे इनके बारे में? चलिए इनसे ही हाँ, जानते हैं। आइए। अदिति ये नैनीताल की, ये देखिए खासकर मलिताल में जी, बहुत बहुत ज़्यादा पुरानी दुकान है जी, और जी। इनके बारे में तो मैं क्या कहूँ, ये खुद ही हमारे भैया खुद बोल सकते हैं।
कि सर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी जो दुकान है पान की नैनीताल में लगभग कितनी साल पुरानी है? तो देखिए इनसे जानते हैं कि दुकान तो ये देखिए ये दुकान भी 80 साल पुरानी है और ये देखिए इनके भी पान जो हैं ये देखिए काफ़ी फेमस पान बनाते हैं ये भी। तो अंकल आप बताएंगे किस नाम से आपकी दुकान है? दुर्गालाल शाह पान भंडार। तो देखिए दुर्गालाल शाह पान भंडार जो कि बहुत पुरानी और फेमस दुकान है। मैं उनका भतीजा हूँ जी। तो ये मनोज शाह अंकल जो है उनके भतीजे हैं। तो देखिए आप सामने देख सकते हैं कि पान में डलने वाली सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं और अंकल बहुत बढ़िया पान बनाते हैं। तो ना सीधा इनके पान के विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इनके पान के विषय में क्या बात करूँ, ये मतलब आप लगाइए कि मलिताल में खासकर एकमात्र एक ऐसी दुकान है पान की, और इसके अलावा कोई मेरे हिसाब से तो कोई दुकान है नहीं यहाँ। और मलिताल में जितने भी लोग जितने भी टूरिस्ट वगैरह ये हमारे यहाँ जितने भी लोकल होते हैं वो हमारे यहाँ मनोज दा के यहाँ पान जरूर खाते हैं जी, और जी, इनके पान काफी फेमस है। हाँ तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत सालों से सिर्फ यहीं आते हैं पान के लिए। हाँ क्यों नहीं, बहुत सालों से नहीं और उनके डेली रूटीन में शामिल है। डेली रूटीन में शामिल है जी, जी। लोग यहाँ जॉब वगैरह करते हैं सरकारी जॉब, वो अक्सर यहाँ पान खा के ही अपनी जॉब में अपने मतलब ड्यूटी पे जाया करते हैं, और आज वो रिटायर हो गए हैं उसके बाद भी वो मनोज दा के यहाँ पान अभी भी खाते हैं। तो देखिए अंकल का पान इतना फेमस है कि जो पहले यहाँ जॉब करते थे वो भी पान खाते थे, और अभी तक वो जो रिटायर हो चुके हैं वो खास तौर पे घर से स्पेशल आते हैं यहाँ पे पान लेने के लिए रिटायरमेंट के बाद भी। तो इस बहाने उनकी वॉक भी हो जाती है और थोड़ा गपशप भी हो जाती है, क्यों अंकल जी? तो पुराने लोग जितने भी देख रहे होंगे उनको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा देख के अभी। तो चलिए चलते हैं अब आगे। तो ये देखिए अभी मैं पहुँच चुकी हूँ खड़ी बाज़ार में, और इस टाइम ये बाज़ार बहुत सुंदर लग रहा है। और नासिरदा यहाँ पे कुछ कहना चाहते हैं अभी? हाँ जी नासिरदा। हाँ, अदित मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ जी। इस लाइन को वैसे तो खड़ी लाइन से भी कहते हैं जी, जी। लेकिन हमारे नैनीताल में स्थानीय जो यहाँ के बासिंदे हैं वो खासकर इसको अक्सर बातों बातों में शंकर स्टोर वाली लाइन बोलते हैं, तो और शंकर स्टोर वाली लाइन इसलिए बोलते हैं कि इस लाइन में एक दुकान है शंकर स्टोर नाम से, वो दुकान जो है नैनीताल में फेमस है जी, तो एक समय उस दुकान में काफ़ी रिजनेबल रेट में बनियान कई चीज़ें होती हैं जो घरेलू चीज़ें होती हैं, तो वहाँ अक्सर आज भी बड़ी रिजनेबल रेट में मिलती है जी, लेकिन खासकर शंकर स्टोर में एक बात जो है वो इसलिए फेमस है कि वहाँ का जो एक मथुरा का चूरन है वो जो है बहुत फेमस है, और अक्सर जो यहाँ से नैनीताल के काफ़ी लोग जो बाहर जाके बस गए हैं, और कई यहाँ की जितनी स्थानीय महिलाएं हैं वो जिनके मैरिज होने के बाद वो दूसरी जगह चले गई हैं, तो वो अक्सर फ़ोन में डिमांड करती हैं कि कभी भी आप लोग आए तो शंकर स्टोर का जो मथुरा वाला चूरन है वो जरूर लेकर आए। तो मतलब वो चूरन जो है वो बचपन से जुड़ा है लोगों की, बचपन की यादों को ताज़ा कर देता है। बचपन से लोगों की उस चूरन से बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं, और मैं तुम्हें उस दुकान में ले जाना चाहता हूँ, और मैं आपको दिखाऊंगा कि वो चूरन कैसा होता है खाने में। तो चलिए हम भी ये देखते हैं नैनीताल का स्पेशल चूरन जो वहाँ पे मिलता है और जिससे लोगों की बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। तो चलिए नासिरदा। तो देखिए यहाँ पे मिलता है स्पेशल अखरोट। तो ये भैया से जानते हैं, भैया आप अखरोट कहाँ से लाते हैं? 12 महीने कैसे दिन यहाँ लगा, 12 महीने की दुकान है। तो 12 महीने देखिए यहाँ पे अखरोट मिल सकते हैं। तो ये कौन से वाले अखरोट हैं? ये कांचे वाला अखरोट। अच्छा, तो ये आप कहाँ से लेकर आते हैं? ये हम जम्मू से। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। तो देखिए जम्मू के स्पेशल अखरोट यहाँ पे आपको 12 महीने मिलेंगे, काफ़ी बढ़िया टेस्ट के अखरोट हैं। तो इनसे जी बिल्कुल, और इनसे जानते हैं कि इसका रेट कितना है भैया? 500 रुपये किलो ये अखरोट है यहाँ पे। तो आप आई जब भी नैनीताल आएँ तो यहाँ से अखरोट ज़रूर लेके जाएं इनकी शॉप से, काफ़ी बढ़िया अखरोट के लोग देते हैं यहाँ पे। तो हम भी टेस्ट करके देखते हैं फिर मैं बताती हूँ आपको। तो देखिए नासिरदा के संग हम जा रहे हैं नीचे की तरफ अभी, और इस टाइम पर बाज़ार काफ़ी अच्छा सुंदर लगने लगता है। तो चलिए हम भी चलते हैं वो ख़ास दुकान पर। तो देखिए नीचे मार्केट के लगभग एंड पे हम लोग पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर है वो फेमस दुकान जहाँ की नासिरदा बात कर रहे थे। हाँ। तो नासिरदा पहुँच चुके हैं हम यहाँ पे। हाँ अदिति, मैं जैसा आपसे कह रहा था कि जिस दुकान की मैं तारीफ कर रहा था जी, तो वो आपकी ये है शंकर स्टोर जी, देखिए ये सामने आप थोड़ा, तो ये देखिए यहाँ पे ये है शंकर स्टोर। हाँ। और थोड़ा इसके आगे ही चलते हैं। हाँ हाँ, चलिए आगे चलिए।
तो देखिए ये है यहाँ का शंकर स्टोर, बहुत पुराना स्टोर है ये और काफ़ी फेमस रहा है। अब नासिरदा थोड़ी इसकी स्पेशलिटी आपको बता देंगे। हाँ तो मैंने अदिति जैसा आपको बताया कि ये लाइन वैसे तो खड़ी लाइन से भी जाना जाता है जी, लेकिन जी। इसको यहाँ के लोग जो लोकल यहाँ के बासिंदे हैं वो शंकर स्टोर वाली लाइन से भी इस लाइन को जानते हैं। तो जो मैं यहाँ आपके बता रहा था कि यहाँ की जो स्पेशल जो खास जो खासियत है इस दुकान की वो है यहाँ का शंकर स्टोर का चूरन, जिसे यहाँ के सब लोग लोकल लोग खा के ही बड़े हुए हैं बचपन से लेकर आज तक सभी लोगों ने खाया है। और खासकर जो यहाँ की हमारी महिलाएं वगैरह हैं वो यहाँ शंकर स्टोर का चूरन अक्सर देखिए। अभी भी महिलाएं यहाँ पे लाइन लगा के खड़ी हैं चूरन लेने के लिए, कई लेडीज लोग लगी हैं जो यहाँ चूरन ले रही हैं। तो मैं आपसे भाभी जी से बात कराना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे आशीष शाह हैं, इनके ससुर और ये इनकी धर्मपत्नी जी है जी। तो जी। आप तो आप बड़ा सोच के बोल रहे हो ना सीता कि ये धर्मपत्नी जी हैं। नहीं मैं सोच नहीं रहा अक्कू मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, आपने तो चूरन यहाँ का खाया ही है बचपन से। हाँ, ये देखिए तो ये देखिए ये बता रहे हैं कि बचपन से इन्होंने यहाँ का चूरन खाया है। तो आप क्या स्पेशल लगता है यहाँ के चूरन का? अनारदाने का चूरन। तो अनारदाने का चूरन यहाँ का बहुत फेमस चूरन है। तो अभी भी वही टेस्ट है यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल। तो नासिरदा और कुछ बताना चाहेंगे आप? ये बताना चाहता हूँ जी, यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें घरेलू काम की कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो यहाँ मिलती हैं और यहाँ काफ़ी दैनिक जीवन में जो हमारे काम आती हैं वो ये शंकर स्टोर में मिलती हैं। और यहाँ कई पुराने, तो देखिए वहाँ पे अभी भी चूरन की शॉपिंग ही चल रही है। मैं अभी चूरन की तारीफ कर रहा था और हमारी भाभी जी इस समय ये चूरन पैक करा रही हैं जी जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि कहीं अब अल्मोड़ा ले जा रही हैं। तो देखिए यहाँ का चूरन जो है वो जगह जगह जाता है, काफ़ी फेमस है। तो अभी आपने कौन सा चूरन लिया है अभी? हाँ बताइए भाभी जी, ये मिक्स चूरन लिया है। मिक्स चूरन जिसमें अनारदाना और कई टाइप के चूरन होते हैं वो लिया जी है। जी, तो स्वाद के साथ साथ सेहत के लिए भी अच्छा है ये चूरन। अच्छा, गुणकारी होता है जी बिल्कुल। तो मैं दादा से बात कराता हूँ जी बिल्कुल बिल्कुल। दादा आप इस चूरन के बारे में बताइए। अभी तो अंकल चूरन लिया ही है यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल। और एक भाभी जी हमारी थोड़ा मुस्कुरा भी रही है उधर, तो ये देखिए ये मुस्कुरा रही है क्योंकि ये चूरन पहले ले चुकी है तो इसलिए मन मन मुस्कुरा रहे हैं जी। तो आप दादा आप बताइए फिर आपकी चूरन में क्या क्या यहाँ की क्या क्या स्पेशलिटी वो खासियत क्या है और क्या क्या किस कौन कौन से स्वाद का चूरन आपके यहाँ मिलता है? ये चूरन जो है हमारा जो है मथुरा से आता है जी, बाकी मेरे घर से 60-70 साल करीब होंगे। अच्छा, ये जो चूरन आता है मिक्स चूरन होता है। अच्छा, इसमें 5 वैरायटी मिक्स है। देखिए अच्छा, इसमें 5 वैरायटी मिक्स है, 5 वैरायटी का चूरन। जो एक तो जीरा बट्टी है, एक जीरा बट्टी, एक मुनक्का बट्टी और एक दिल बाहर बट्टी, और एक जो आता है ये हरड़ का होता है। हरड़ जो है जो ये पेट के लिए बहुत बहुत बढ़िया है, सबसे बढ़िया चूरन जो होता है। तो देखिए आदिति, मैं हमारे भैया ने बताया कि ये इसमें हरण का, दिल बहार का और जीरा, ये सब मिक्स चूरन जो। तो चलिए नासिरदा, फिर आप चूरन की स्पेशलिटी बता रहे थे। हाँ, तो जैसा हमारे भैया ने बताया कि इसमें हरड़ का, दिल बहार है, जीरा है और कई स्वाद वाला मुनक्का वटी। तो ये कई चूरनों का ये मिक्स चूरन का ही पैकेट मिलता है और ये हमारा जो है हाजमा, जो खाना खाने के बाद इसको अक्सर खाएं और अपना हाजमा दुरुस्त रखें। और इसके अलावा इसके साथ साथ अनारदाना चूरन, ये देखिए, तो देखिए ये तो बहुत ही फेमस चूरन है और अनारदाना चूरन इसको यहाँ की महिलाएं काफी पसंद करती हैं अनारदाना चूरन। और देखिए नासिरदा को काफी जानकारी है इस बात की। मैं खुद ले जाता हूँ। मुझे ये खाते खाते आज मैं इतना बड़ा हो गया चूरन। ये वैसे तो दया, ये बताइए चूरन यहाँ कितने सालों से बिक रहा है? ये करीब मैं बचपन से था, तब से पैदा हुआ हूँ, तब से दुकान में मैंने चूरन आपने देखा, यानी कि मुझे 60 साल तो मुझे गुजर गए। ओह माय गॉड, 60 साल मैं क्रॉस करूँगा, तो करीब ये 65-70 साल तो करीब ये चूरन देखते हुए।
तो अदिति देखिए कि 65 और 70 साल पुराना ये चूरन, मतलब ये इस चूरन को खाते हुए नैनीताल की कई पीढ़ियां आज इतनी बड़ी हो गई हैं और तो काफी दूर दूर तक डिमांड भी रहती है। और इस चूरन की इतनी दूर दूर डिमांड है कि अभी हमारी कई भाभियां यहाँ आई थी, मेरी तो भाभियां ही जैसी लगी, तो वो चूरन जो है खा के खुद खा भी रही है और अपने ससुराल और मायके को भी ले जा रही है। जी, बिल्कुल, तो धन्यवाद दादा आपके चूरन के लिए, थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स, फिलहाल इसी के साथ इस वीडियो को भी यहीं पर एंड करती हूँ। तो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा और दुकानों के बारे में जो जानकारी दी गई है वो आपको पसंद आएगी। तो दोबारा किसी नए वीडियो में फिर आपको मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।